नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भर्ती में काउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में सीधी भर्ती के 380 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेजों के सत्यापन एवं काउंसलिंग की विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही साथ जो अलग 9 पोस्ट है उनके भी बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कब कब काउंसलिंग होगा, पूरी डेट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, A to Z आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर कार्यालय, सहायक सामान्य, सहायक एवं समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग पद पर सीधी भर्ती के निम्नानुसार कुल 398 रिक्त पदों पर भर्ती है। तो संयुक्त भर्ती परीक्षा दिनांक 29/10/2023 को पूर्वान में आयोजित किया गया था। ठीक है, 29/10/2023 को एक साल होने वाला है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन सभी पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो भाग एक परीक्षा में न्यूनतम 50 अंक या उससे अधिक अंक अर्जित किए, उन्हें पात्र मानते हुए लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों की मेरिट सूची का प्रकाशन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर में किया गया है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, उक्त मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन संबंधित बैंकों की काउंसलिंग कमेटी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन एवं संयुक्त काउंसलिंग प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। अब देखिए दस्तावेज का सत्यापन, ठीक है, तो दस्तावेज का सत्यापन की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो रही है, 23/9/2024, मतलब 23 सितंबर से प्रारंभ होगी। मींस अभी मतलब लगभग एक मंथ है, क्योंकि आज 24 हो गया। ठीक है, तो 23 सितंबर से प्रारंभ की जा रही है। उक्त 18 पदों पर भर्ती की कार्यवाही माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उपरोक्त प्रचलित प्रकरणों में अंतिम आदेशों के अध्ययन होगी। मतलब 380 पद के लिए काउंसलिंग होगा, इसमें जो 18 पोस्ट बचे हुए हैं इसमें देखिए उच्च न्यायालय के उपरोक्त प्रचलित प्रकरण, इसमें कई प्रकार के केस लगे हुए, उसके लिए 18 पद को अभी सुरक्षित रखा गया है। अब देखिए कब कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो देखिए 1 से 75 मेरिट सूची में, 1 से 75 व्यापन द्वारा जो सूची जारी किया गया है, ठीक है, 1 से 75। ठीक है, यदि आपके पास वह सूची नहीं है तो मैं पुनः अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो 1 से 75 तक का 23/9/2024 प्रातः 11 बजे कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मुख्यालय सहकार भवन प्लाट नंबर 74 सेक्टर 24 नवा रायपुर में होगा। उसके 76 से 150 के लिए 29/9/2024 को होगा, 151 से 225 का 25/9/2024 को होगा, 226 से 300 का 26/9/2024 से होगा, 301 से 380 का 27/9/2024 को। तो 23 से प्रारंभ होगी, 27 तक होगी। उसके बाद जो अलग से और 9 पोस्ट है उनका कब है तो आगे आपको बताने वाला हूँ। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दस्तावेजों के सत्यापन हेतु, ठीक है, उल्लेखित तिथि एवं स्थान पर निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व उपस्थित होवे। तो सभी डॉक्यूमेंट ले करके आपको जो है आधा घंटे पहले पहुंच जाना है। उक्त दस्तावेजों के सत्यापन की सूचना अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज किए गए पते पर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित भी की जाएगी। तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अलग से आपके नाम के साथ जो है आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। उसके बाद यदि दस्तावेजों के परीक्षण हेतु उपरोक्त उल्लेखित तिथि पर अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते तो उन्हें चयन हेतु अपात्र माना जाएगा। तो जिस डेट पर आपको बुलाया जाए उस डेट पर नहीं पहुंचेंगे तो आपको अपात्र कर दिया जाएगा। दस्तावेजों के परीक्षण में अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बैंक मर्यादित रायपुर के समक्ष 3/10/2024 से 5/10/2024 तक दावापत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। निर्धारित तिथि के उपरांत दावापत्ति मान्य नहीं होगा। दावापत्ति के निराकरण के उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची 14/10/2024 को बैंक की वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद देखिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची 14/10/2024 को बैंक के वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी। इसकी पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। पात्र अभ्यर्थियों को बैंक पद के चयन हेतु काउंसलिंग दिनांक 5/11/2024 से 8/11/2024 तक पुनः काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। मतलब काउंसलिंग में बुलाया जाएगा कि आप कौन सा बैंकों को सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन से बैंक को लेने वाले हैं। अब देखिए दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्देश क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो सहायक प्रबंधक कार्यालय, सहायक सामान्य, सहायक एवं समिति प्रबंधक नवीन सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की अर्हता की जांच हेतु आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन किया जाएगा। उपरोक्त पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन हेतु निम्नानुसार दस्तावेजों की मूल प्रति तथा अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के द्वारा सत्यापित 6 प्रति 2 प्रति मान्य होगी। ठीक है, 2 प्रति ले जाके जाना है, मूल प्रति और
2 प्रति। अब देखिए, बैंक द्वारा प्रेषित कॉल लेटर, आपको कॉल लेटर मिल जाएगा, कॉल लेटर आएगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति, ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप किए हैं उनका और आप जो एग्जाम दिए हैं उनका प्रवेश पत्र, जन्मतिथि के प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि प्रमाणित होती है, ठीक है। तो या तो आप जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल, ठीक है, दोनों ले जा सकते हो, या केवल 10वीं हाई स्कूल जो 10वीं में आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है वो भी मान्य रहेगा। आधार कार्ड एवं निवास के पते के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र, तो आधार कार्ड एवं निवास के पते के सत्यापन, तो निवास के पते के सत्यापन के लिए जैसे कि आप राशन कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं, या निवास प्रमाण पत्र जो आप बनवाते हैं वो निवास प्रमाण पत्र भी मान्य रहेगा। नवीनतम रंगीन 4 फोटोग्राफ पहचान पत्र सहित, ठीक है। तो नवीन 4 फोटोग्राफ पहचान पत्र मतलब आपका पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, तो ये आपका पहचान पत्र हो जाएगा। उसके बाद बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अनुसूची मूल प्रति जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। आयु में छूट संबंधी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र, यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, उम्मीदवार यदि किसी शासकीय अर्धशासकीय सेवा निगम मंडल में अगर कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, NOC प्रमाण पत्र जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां से। उसके बाद अन्य ऐसे प्रमाण पत्र दस्तावेज जिन्हें सत्यापन में प्रस्तुत किया जा सकता हो। दस्तावेजों के सत्यापन में अभ्यर्थियों के अलावा अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। मोबाइल, लैपटॉप एवं अन्य गैजेट्स रखने की अनुमति नहीं होगी। विस्तृत विज्ञापन में वर्णित पदवार शैक्षणिक अर्थ एवं अन्य शर्तें पूरी नहीं करने की स्थिति पर अभ्यर्थी को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा, तदनुसार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो है काउंसलिंग के लिए आपको पुनः बुलाया जाएगा, जिसकी जानकारी आपको अलग से दी जाएगी। अब जो 9 पोस्ट और बच गए उनके लिए कब होगा, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक में सीधी भर्ती के 9 रिक्त पदों पर भर्ती है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की विस्तृत सूचना, तो कौन कौन से 9 पोस्ट है जिसके कनिष्ठ प्रबंधक स्वर्ग, ट्रेजरी विशेषज्ञ, मुख्य लेखापाल, उप प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक के कुल 9 रिक्त पद पर भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 29/10/2023 को प्रारंभ में आयोजित किया गया था। इस प्रकार से देख सकते हैं कुल 9 पोस्ट है। इनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब किया जाएगा, तो इनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 से 18 अभ्यर्थियों का 30/9/2024 को प्रातः 11:30 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मुख्यालय सहकार भवन प्लाट नंबर 74 सेक्टर 24 नवा रायपुर में किया जाएगा, ठीक है। सभी सूचनाएँ, सभी जानकारी जो पूर्व में वर्णित है, पूर्व में बताया गया, वही सभी रहेगा। केवल अपडेट को देख 30/9/2024, बाकी सभी अपडेट वही रहेंगे। उसके बाद जो है अपात्र के लिए, पात्र हो जाता है 30/10/2024 से 5/10/2024 तक दावापत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। 11/10/2024 को जो है पात्र अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। ये सभी डॉक्यूमेंट है जो पहले हम आपको बताए हैं, वही सभी डॉक्यूमेंट इसमें भी लगेंगे। तो यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर से एक नोडो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।